हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सेंसुई टीवी में ऑडियो सेटिंग आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए टीवी में का जो रिमोट है इसमें मेनू का जो ऑप्शन है, मेनू वाला जो बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको चले जाना है साउंड की, आपको यहाँ पर आइकन बना हुआ दिख रहा होगा टीवी में, ये देखिए मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, ये सेकेंड नंबर पर देखिए साउंड का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर आपको चले जाना है। ठीक है, तो हम वहाँ पर चले जाते हैं साउंड वाला ऑप्शन पर। साउंड वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑडियो मोड दिख रहा है, आपको इक्वलाइजर दिख रहा है, बास दिख रहा है, ट्रीबल दिख रहा है और बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, आप सबको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका ऑडियो का सेटिंग है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑडियो मोड पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड सिलेक्टेड है, इसको आप रिमोट से ये एरो वाला जो बटन है इससे आप चेंज कर सकते हैं ऑडियो मोड को। जैसे यहाँ पे हम देखिए कर सकते हैं, यहाँ देखिए हो रहा है चेंज, ये देखिए हो रहा है चेंज, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब नीचे आ जाएंगे तो आपको इक्वलाइजर का मोड दिखता है, उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। और सिमिलरली बास है, ठीक है, तो बास पे हम जाएंगे और उस पर हम क्लिक करेंगे और उसको भी हम चेंज करके यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, देखिए नीचे आ गया ना ऑप्शन, इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, मानिए आपको बैलेंस जो भी है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑप्शन अभी आता है, सब कुछ यहाँ पे ये जो बटन है ना नीचे एरो वाला, इससे जब आप क्लिक करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पे बटन आने लग जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस से मेनू पे चले जाएंगे और वापस से जाएंगे हम यहाँ पे देखिए जो जो ऑप्शन था, यहाँ पे देखिए बैलेंस जो है जीरो हो रखा है। तो अभी जो फ़िलहाल इस टीवी में सेटिंग है उससे हम हैप्पी हैं और ये सेटिंग हमारे टीवी के लिए सही काम कर रहा है, तो हम यही सेटिंग रखते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से साउंड जो ऐसी चीज़ है आपको अपने हिसाब से रखना है, कौन सा साउंड आपको ज़्यादा पसंद है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा स्टैंडर्ड जो होता है साउंड वही आप रखें अपने टीवी में। कोई भी आपके पास टीवी है, स्मार्ट टीवी या सेंसुई का ये टीवी है, तो मैं इस टीवी के बारे में बात कर रहा हूँ फिलहाल, बाकी कोई भी टीवी होता है तो स्टैंडर्ड मोड सबसे बेस्ट होता है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैंडर्ड मोड ही टीवी में रखें। तो दोस्तों आप आज आपको पता चल गया होगा, बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।